मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं सफलता की, सक्सेस की, कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाए, इसलिए आए आज यहाँ। अच्छा, बहुत कम लोग इसलिए यहाँ आए हैं सक्सेस के लिए। कितने लोग आए सक्सेस के लिए? वेरी गुड। तो हम आए यहाँ पर सक्सेस के फॉर्मूले सीखने, ये सीखने कि सक्सेस कैसे ली जाए। लेकिन अगर सक्सेस नहीं मिलती तो क्या मिलता है? फेलियर। तो फेलियर मिलता है, तो फेलियर से और सक्सेस से हमारे सारे एफर्ट जुड़े हुए हैं। या हमें सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा। तो आज हम जानते हैं कि फेल कैसे हुआ जाए। हर मीटिंग में हम जानते हैं कि हम सफल कैसे हों, तो आज हम जानेंगे फेल कैसे हों। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना ये काम करो, नहीं तो फेल हो जाओगे, तो ध्यान से बात दिमाग में जाती नहीं है। और जब हम कहते हैं भाई ये काम कर लो तो फेल हो जाओगे, या ये सब चीज़ें फेस करने के बाद में, बहुत से लोग हैं जिनको फेलियर मिला होगा, हमें सबको मिला है, ये गलतियाँ हम सब ने की हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि दो ही चीज़ें होती हैं जब हम सफलता की या विफलता की बात करते, एक होता है हमारा माइंडसेट, हमारी सोच, और दूसरे होते हैं हमारे एक्शन। तो हमारे जो सोच है, हमारा माइंडसेट है, अक्सर हमारी सोच जो है वो हमें सफलता या फेलियर दिला, और दूसरी चीज़ हमारे एक्शन, मतलब एक मेंटल एक्शन जो सोच है और एक हमारे फिजिकल एक्शन। तो देखते हैं तो फेल कैसे हुआ जाए। कितने लोग तैयार हैं जानने के लिए कि फेल कैसे हुआ जाए? बहुत बढ़िया, बस वो काम करने नहीं है, जान लेने हैं। सबसे पहला तो लो सेल्फ एस्टीम। तो शुरू में ही हम विफल हो जाते हैं, बिगनिंग में ही, काम शुरू किया नहीं पहले ही फेल हो गए। ये लो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हीन भावना अपने बारे में, मैं तो शायद प्लान ही नहीं दिखा पाऊँगा। शुरू में ही बिजनेस ज्वाइन किया नहीं, मैं नहीं सफल हो सकता, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। किसी के कहने से ज्वाइन कर भी गए, थोड़ा सा मोटिवेट हो गए कि हाँ यार पैसा तो चाहिए, सपने तो हैं, तो उसी वाइल में आए और ज्वाइन तो कर गए। लेकिन जब किसी से बात करने जाने की बात सोचते भी हैं, लिस्ट तो बना लेते हैं कहने पे, लेकिन जब प्लान की बात सोचते हैं कि यार किसी को प्लान दिखाने जाना है, डेमो दिखाने जाना है, तो नहीं मैं नहीं दिखा पाऊँगा, मुझसे कोई ज्वाइन नहीं करेगा, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, पहले ही फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एफर्ट ही नहीं। तो अक्सर ये देखा है कि कई बार लोग ज्वाइन करने के बाद में काम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ एस्टीम जो है ना वो लो है, उनको लगता है कि नहीं या मैं किसी की ना नहीं सुन सकता, वो मुझे मना कर देगा। तो अगर गए भी तो बहुत लो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में, और फिर जब सफलता नहीं मिली, क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा था, हमारा बिलीफ ऐसा था कि सफलता नहीं मिलेगी, और जब गए हम और आधे एफर्ट से हमने वो प्लान दिखाया और सफलता नहीं मिली, हमने कहा देखा मैंने कहा था ना मुझसे ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। बेसिकली हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन हमारे एक्शंस को इस तरह से, हमारे एक्शंस के रिजल्ट को लेकर आता है कि हमारी सोच को वो जस्टिफाई करता है। ब्रेन के ऊपर एक थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, बिलीफ के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, हमारे जो हमारा ब्रेन कैसे हमें लेकर जाता है। आपने वो एग्जांपल सुना होगा, हाथी को चेन से बांध दिया जब छोटा था, है ना, वो तो एक नया एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल सबने सुना होगा कि फिर बड़ा हो गया तो चेन नहीं तोड़ पाया। बिलीफ पे एक एग्जांपल है कि मान लीजिए एक सिचुएशन देखते हैं कि हम खाने की टेबल पर बैठे हैं, मैं भी बचपन की बात सोच लेते हैं, और मम्मी हमें बोलती है बेटा जाओ जरा किचन से नमक ले आओ, सब्जी में नमक कम है। और हमने कहा मम्मी मुझे नहीं मिलेगा। हुआ किसी के साथ ऐसा? होता है ना, आलस आ रहा होता है, हम कहते हैं मुझे नहीं मिलेगा, और मम्मी को गुस्सा आ जाता है। मम्मी कहती है भाई तुम कोई काम नहीं करते हो, कितने काम बोले तुम, आज तो बस जिद पकड़ ली मैंने, आज तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, जाओ और लेकर आओ। अरे मम्मी मैंने कहा ना मुझे नहीं मिलेगा। नहीं, जाओ लेकर आओ। तो लगा मम्मी गुस्से में, तो उठ के गए, इधर उधर देखा, मम्मी नहीं मिल रहा। मैंने कहा वहीं शेल्फ पे देखो, सामने रखा हुआ है, शेल्फ पे ध्यान, मम्मी नहीं मिल रहा। मम्मी गुस्से में उठ के आई, ये क्या रखा है, नज़र नहीं आ रहा था। तो क्या नज़र आ रहा था, हमने झूठ बोला था? नहीं, हमें सच में नज़र नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जब हमने पहली स्टेटमेंट दी थी कि मुझे नमक नहीं मिलेगा, हमारा ब्रेन ने उस टाइम काम करना शुरू कर दिया, और
हमारी सफलता के लिए काम करना शुरू कर दिया। और हमारी सफलता किस में थी, नमक के मिलने में या ना मिलने में? ना मिलने में। तो ब्रेन ने हमारे क्या किया, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया। और उस पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर हर चीज़ पड़ी हमें नज़र आ रही थी, एक बस वो नमक इनविजिबल हो गया था, वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे काम करता है, जो हम बोल देते हैं ब्रेन उसके ऊपर काम करना शुरू। वो जो फिजिकल चीज़ थी नमक, वो उस तक को इनविजिबल कर दिया उसने हमारे लिए, हमारी सफलता के लिए ब्रेन काम करता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को बोलें तो बहुत सोच समझ के बोलें। ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें बोलना शुरू कर दोगे, ब्रेन सब कुछ पॉजिटिव कर देगा। नेगेटिव बोलेंगे तो ब्रेन के मज़े आ गए, क्योंकि नेगेटिव काम तो आसान होता है ना। वो तो काम चोरी में, तो अगर हम काम चोरी में जाएंगे, ब्रेन कहेगा यार ठीक है, मुझे क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, ये खुद ही कह रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम को लो रखते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। फेल होने का पक्का फॉर्मूला है कि लो सेल्फ एस्टीम रखें, और सफल होने के लिए क्या करना होगा, हाई सेल्फ एस्टीम। अरे अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर कंपनी ने प्लान के अंदर ये चीज़ डाली है तो ये मैं क्यों नहीं अचीव कर सकता। अचीव कर सकते हैं ना, बहुत से लोगों ने किया है। तो हाँ, सीखना हो सकता है, सीखना पड़े तो कैसे करना ये हम जानेंगे। हम ब्रेन को बस अपना काम दे दें कि हाँ तुमने ये काम करना है, फिर एक्शन वो हमसे करवा लेगा। लैक ऑफ विज़न, हमारा विज़न ही नहीं है इस काम के ऊपर। ज्वाइन तो कर लिया लेकिन वो विज़न ही क्लियर नहीं है कि हमने क्यों किया है, इस बिज़नेस से हम क्या अचीव कर सकते हैं, ये बिज़नेस हमारे हमारी फैमिली के लिए क्या कर सकता है। उस विज़न की कमी है। जिस दिन वो विज़न क्लियर हो गया उस दिन सफलता कदम चूमेगी। जिसको विज़न क्लियर करना है ना, कभी आप जब आते हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे तो जो वीरू भाई की स्टोरी है, जब वो थे तब भी उनकी स्टोरी बहुत अच्छी होती थी, और अब वो नहीं है तो जाने के बाद जो वो हमें विज़न देकर गए हैं, उससे बड़ा कोई और विज़न नहीं है कि हमारे बाद में हमारी फैमिली को मोदी केयर ने कैसे संभाला। वीरू भाई चले गए और वीरू भाई के जाने के बाद भी उनकी फैमिली को वो इनकम आ रही है, उनकी फैमिली को कैसे संभाला, जबकि ना हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे ना वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी है। संजू भाभी वो भी 8वीं पास, वीरू भाई भी 8वीं पास, और आज भी उनको इनकम आ रही है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपना विज़न क्लियर कर सकते हैं। क्या जो काम हम कर रहे हैं आज उससे वो इनकम आएगी? कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आज अगर जॉब छोड़ दें तो वो सैलरी घर में आएगी? आज हमें कुछ हो जाए तो क्या वो सैलरी घर में आएगी? या आज अगर रिटायर हो जाएं तो क्या वो इनकम घर पे आए? अभी रिसेंटली एक होम मीटिंग में मैं एक लेडी से मिला, मैं करीब 2 साल से जानता हूँ, ज्वाइन किए हुए हैं वो। सो प्रोडक्ट्स लेती हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स लेती हैं, महीने के 100, 125, 150, 200 पीवी तक खुद ही करती हैं। तो उनसे बाई चांस उनके घर पे होम मीटिंग थी, तो इस बार उनसे बात हुई मेरी। तो मीटिंग के बाद में जैसे हम बैठे हुए थे, चाय वगैरह पी रहे थे, तो उन्होंने बताया, करें सर वो मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई तो वो एज तो उनकी 57-58 थी, रिटायरमेंट में 2-3 साल ही रह गए थे, तो लेकिन एक अच्छी पोस्ट पे थी। तो कहते कि फिर बात हुई कि चलो बेटे को उनकी जगह नौकरी मिल जाए, बेटे ने भी लॉ किया हुआ है। तो फिर कह रहे वो जो ओनर थे का सेमी गवर्नमेंट टाइप कुछ कंपनी थी, उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर जो हेड थे उन्होंने कहा कि ठीक है इसको रख तो लेंगे हम, लेकिन इसको तो फिर नीचे से शुरू करना होगा, जीरो से ही तो शुरू करना होगा, ये थोड़ी उसके वाली पोस्ट दे देंगे, फादर वाली पोस्ट थोड़ी दे देंगे उसको, तो वही 18-20 हज़ार से शुरू करना होगा। जबकि उसके फादर को गाड़ी भी मिली हुई थी, ड्राइवर था वहाँ, पूरी उसके हेड थे, तो ज़ीरो से शुरू करना होगा। जबकि मोदी केयर में हमारा क्या है, जहाँ पर हम छोड़ते हैं हमारी फैमिली वहाँ से आगे बिजनेस शुरू करती है। आज जहाँ हम छोड़ेंगे, आज जहाँ वीरू भाई छोड़ के गए हैं इस बिज़नेस को, तो फैमिली ने कहाँ से बिज़नेस शुरू किया, वहाँ से आगे शुरू किया ना बिज़नेस। सो उन्होंने कहा कि फिर बातों बात, फिर उन्होंने कहा नहीं, सोचा कि बेटे को तो फिर अपना अलग से करियर बनाने दो, तो फिर लगा कि मैं ही ज्वाइन कर लेती हूँ। तो लेकिन कह रहे फिर बच्चों ने कहा कि मम्मी वो आप जाओगे उस ऑफिस, जिस ऑफिस में जब आप जाते थे तो लोग सीट से खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको भी वो हस्बैंड वाली जॉब थोड़ी मिलेगी, नीचे से ही मिलेगी ना जॉब, तो जो लोग आपके लिए खड़े होते थे उनके साथ अब आप कैसे बिहेव, कैसे आप कोप अप कर पाओगे। तो कितना बड़ा चैलेंज है कि अगर वो दे भी रहे हैं तब भी वो चीज़ प्रॉपरली मिल नहीं रही। जबकि मोदी केयर के अंदर जहाँ से हम काम ख़त्म करेंगे वहीं से शुरू करेंगे। आज अगर वीरू भाई नहीं भी हैं तो संजू भाभी और उनके बच्चे जब आते हैं स्टेज पे, वही रिकग्निशन मिलती है, वही रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये बिजनेस है मोदी केयर। तो अगर हमारा विज़न क्लियर है, हमें ये पता कि हाँ यार मोदी केयर क्या बिज़नेस है, तो फिर हम जी जान लगा देंगे। लेकिन अगर विज़न क्लियर नहीं है तो
फेलियर पक्की है। हम कहते हैं अरे क्या है, कुछ नहीं रखा यार, ऐसी बधेरी कंपनियाँ, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो वो सीरियसनेस ज़रूरी है, वो विज़न ज़रूरी है। गोल ही नहीं लिए, अरे होते कहाँ हैं पूरे, तो गोल नहीं लिए तब भी नहीं सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, गोल्स हमें पता कि यस अभी हर मीटिंग में हम गोल्स की बात करते हैं। तो जिसने गोल ही नहीं बनाए, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गोल्स नहीं बनाए अभी तक, हाथ नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ऐसे ज़रूर लोग हैं यहाँ पर, हर मीटिंग में होते हैं, बड़ी से बड़ी मीटिंग में भी चले जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी लक्की होते हैं जो गोल बनाए बिना भी कई बार सफलता चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वो लोग गोल बना लें तो सफलता उनकी और बड़ी हो सकती। तो सबसे पहला काम गोल्स को लिखना है, अपने गोल्स बनाने हैं। तो अगर गोल्स नहीं बनाए तो फेलियर पक्की है। ब्लेम अदर्स, बहुत अच्छा, बहुत आसान तरीका है ब्लेम गेम, कि दूसरे को ब्लेम करो, अपनी फेलियर को दूसरे के मत्थे मर दो, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो जी अभी तो इसमें आटा तो आया नहीं है, है ना, और चावल भी आपने कहे थे लेकिन चावल तो प्रीमियम वाले आए हैं, हमें तो वो परमल चावल भी, वो दूसरे वाले चावल आएंगे, जब सस्ते वाले आएंगे तब हम काम करेंगे। वो नहीं, ये वाला जो दालें अभी नहीं आई हैं, दालें भी आ जाएंगी तो सब्जियां नहीं आई हैं, सब्जियां आ जाएगा तो कहेंगे दूध नहीं आया इसमें भी। सो कुछ ना कुछ उसके अंदर हमने उसमें कमियां ढूंढनी हैं, ब्लेम करना है मे बी कंपनी को, प्रोडक्ट्स को, और वो फिर सफलता नहीं मिली। और फियर ऑफ फेलियर एंड रिजेक्शन, पिछली बार रिजेक्शन सुपरस्टार हमने किया था, याद है टॉपिक, लास्ट टाइम कौन सा किया था, रिजेक्शन सुपरस्टार, है ना। तो रिजेक्शन से डर तो नहीं लगता, तो अगर रिजेक्शन से डर लगता है, फेलियर से डर लगता है, तो सफलता नहीं मिलेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस डर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे, है ना, डर के आगे जीत है। ओके, डर को हटाने के बाद जीत आती है, जब डर को हम दूर कर देते हैं। ओके, शो डिसबिलीफ। सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, बिलीफ। अभी बिलीफ का एग्जांपल दिया था वो नमक वाला, और हम डिसबिलीफ मान के चलते, ब्रेन को हम बोलते हैं कि नहीं यार कैसे पता चलेगा, वो डिसबिलीफ। देखो एक तो डिसबिलीफ है कि बोलने से, एक हमारे एक्शन से नज़र आता है। सबसे पहली बात, अगर हम कहें कि मार्केट के प्रोडक्ट कंज्यूम करते, जितना मर्जी कह लो फिर भी मार्केट के प्रोडक्ट्स हो, देखिए अगर वो प्रोडक्ट मोदी केयर में आता है और हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, हम कहते हैं नहीं ये तो जी अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे मेरे ख्याल से एक डेढ़ साल पहले की बात है, और वो लेडी मुझे एक ही बार स्टोर में नजर आई, दोबारा नज़र नहीं आई, क्योंकि ऐसे बंदे नज़र आएंगे भी नहीं, वो फेल होके जा चुके हो। जनकपुरी स्टोर की बात है, तो वहाँ पर वो कोई मेरे साथ कोई पर्सन थे, उनको मैं प्रोडक्ट्स दिखा रहा था, तो भागती भागती आई, और चावल वाले जगह पे मैं था, चावल दिखा रहा था, चावल मत लेना। मैंने कहा इसको क्या हुआ, बहुत महंगे हैं चावल, महंगे या अच्छे हैं, नहीं सर, फिर उसने बात बताई, अच्छे तो हैं लेकिन ना हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं ना, और अच्छी खासी, उसने कम से कम जो स्ट्रेटनिंग कराई होगी वो 6-7 हज़ार की होगी सर, वो ना जो हम चावल यूज़ करते हैं ना वो कम रेट के यूज़ करते। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए तब भी आप वही वाले चावल यूज़ करोगे जो आज यूज़ कर रहे हो? नहीं, फिर तो मैं ये वाले यूज़ करूँगी। तो मैंने उसके लिए लाखों करोड़ों कमाने की क्या ज़रूरत है, 10 रुपये फालतू खर्च कर दो, कि जब लाखों करोड़ों कमाओगे तब जाके ये यूज़ करोगे, अपना स्टैंडर्ड आज ही चेंज कर लो, वो 10-20 रुपये चावल तो अच्छे हैं, हर क्वालिटी की चीज़ है, तो वो उसके लिए हम वेट क्यों करें। देखिए घर का राशन जो हमारे घर में आना है, अगर हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, जबकि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको पता है लॉयल्टी बेनिफिट्स के बाद वो हमें मार्केट के सबसे सस्ते से भी सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डायरेक्टली बात करें, पूरे घर का राशन अगर 5,000 का आता है, और अगर हम थोड़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे 5.5 का आ जाए, 500 रुपये में अगर हम अपना स्टैंडर्ड बदल लेते हैं, उसके लिए लाखों करोड़ों की वेट करने की ज़रूरत थोड़ी, जब कमाएंगे तब खाएंगे ही हम, तो आज ही बदले। तो अगर हमारे घर के अंदर मार्केट के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप जान लीजिए फेलियर इज पक्की है वो। फिर वो जैसे वो चावल वाली लेडी दोबारा नहीं नज़र आई ना मुझे, फिर अगली बार वो बंदा नज़र नहीं आएगा ट्रेनिंग में। सो करना क्या है, सारे यही यूज़ करने। ओके, डिस्कसिंग चैलेंजेस ओपनली। देखिए चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, इसकी लाइफ में नहीं आते हैं, सिर्फ 1% की लाइफ में नहीं आते हैं। जो आप शमशान में जाते हो या मुर्दा घर में जाते हो, तो वहाँ पर जो पड़े हुए हैं उनको चैलेंजेस नहीं है, शायद उनको भी होंगे, अब उनका मैं अभी पता नहीं, जब हम वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। अभी लगता है ऐसे है कि शायद उनको नहीं होंगे। सो चैलेंजेस तो लाइफ में हर जगह होंगे, और चैलेंजेस की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि वो परमानेंट नहीं होते हैं,
वो टेम्परेरी होती हैं, चैलेंज आता है, अपना जो नुकसान करना करेगा और निकल जाएगा, कुछ टाइम के लिए होती हैं। जैसे कोई कहेगा सर मैं गया था और मुझे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट नहीं मिला ऑफिस में, वहाँ था ही नहीं स्टोर पे, मेरे पास 5 स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का ऑर्डर था, तो ऐसा सर मैं दूसरी जगह गया वहाँ भी ख़त्म था। तो ये ओपनली डिस्कस करा, आप कोई नया गेस्ट बैठा हुआ है वो सोचेगा अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट कोई बहुत बढ़िया चीज़ होगी जो कंपनी में मिलती नहीं है, वो कहेगा यार जो ढंग की चीज़ें वो तो मिलती नहीं है, उसके 5 का ऑर्डर था, कल को मैं भी ऑर्डर ले आऊँगा तो मुझे मिलेगा नहीं वो। तो बेचारा सुन के, ओपनली हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो सुन के उसने सोचा मुझे तो करना ही नहीं बिज़नेस, छोड़ो ना यार कल से मैंने आना ही नहीं मोदी गिर। तो हमारी बात सुन के किसी ने अपना मन बदल लिया, अच्छा अगले दिन फिर स्टॉक आ गया, तो आपने जिसको देना था उसको दे दिया, या अपने अपलाइन से कहा किसी से कहा, उसने कहा कोई बात नहीं मेरे पास है मैं तुम्हें दे दूँगा, चैलेंजेस का तो सॉल्यूशन निकालते हैं ना फिर हम, वो टाइम बींग होता है वो दोबारा नहीं रहता। कि अच्छा बात बताओ कि 5 साल बाद आपको याद रहेगा कि ऐसे एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ऑफिस में जाके मैंने ये बात बोली थी कि स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट नहीं है, नहीं क्योंकि तब वो आ चुका है और आपने वो दे भी दिया। लेकिन वो पर्सन 5 साल बाद भी जब मिलेगा उससे पूछोगे वो किस लिए, अरे मैं वहाँ गया था और उसने वो बंदा बोल रहा था कि यहाँ तो ये सामान नहीं मिल रहा और इसलिए मैंने तो बिज़नेस किया ही नहीं। तो चैलेंजेस टाइम बींग होते हैं और वो चले जाते हैं, हम भूल भी जाते हैं कि ऐसा कोई चैलेंज आया भी था। लेकिन ओपनली जब हम छोटी छोटी चीज़ें बोलते हैं तो हम किसी की लाइफ ख़राब कर देते, क्या हम चाहेंगे किसी का फ्यूचर ख़राब करना? तो चैलेंजेस को ओपनली ना डिस्कस कर, ठीक है? तो उससे भी हमारा अगर हम कहें कि ओपनली डिस्कस करने से किसी ना किसी को फेलियर ज़रूर मिले। क्रिटिक्स एटीट्यूड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि बलदेव जी एक शेर सुना रहा हूँ, सर आप बड़े सुनाते हो, एक मैं भी सुना। हाँ तो क्रिटिक्स के पास जो होता है ना कुछ ज़्यादा नॉलेज होती है, क्रिटिक्स होते हैं जो हर चीज़ को के बाल की खाल उधेड़ते हैं, उनको क्रिटिक्स कहा जाता है। तो कहते हैं अक्ल हर चीज़ को, अक्ल हर चीज़ को एक जुर्म बना देती है, अक्ल हर चीज़ को एक जुर्म बना देती है। बेसबब सोचना, बिना मतलब के सोच ही जाना परेशान हो जाए, बेसबब सोचना बेसूद पशेमा होना। सो ज़रूरत से ज़्यादा अकल जो होती है ना वो भी कई बार परेशानी करती है। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कंपनी, तो इनके पास कंपनी के लिए बहुत सारी, अरे यार मैं होता ना कंपनी को तो ऐसे चला लेता, मैं होता तो ऐसे चला, कंपनी को ऐसे करना चाहिए, कंपनी को वैसे करना चाहिए, करेंगे कुछ नहीं, पता चला अपने पीवी तक डाले नहीं है, और क्रिटिसाइज करेंगे कंपनी को, कंपनी के प्रोडक्ट्स को और प्राइसिंग को। देखो यार ये इसका ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देना अगर कंपनी तो बस मज़े ही आ जाए। वो कह रहे थे वेट मैनेजमेंट की रेंज आएगी, अभी तक तो आई नहीं, इतना टाइम हो गया, जब आएगी तो कहेंगे इसकी प्राइसिंग ये नहीं होनी चाहिए थी, ये होने चाहिए थे, इसमें इतने पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, इतने पॉइंट्स होने चाहिए थे। भाई वो काम कंपनी का है, हमारा काम क्या है? प्रोडक्ट को यूज़ करना, हम तो यूज़र हैं, और आगे प्रमोट करना, यही तो काम है। हम अपना काम करें, कंपनी अपना काम करें। लेकिन वो क्रिटिक्स क्या करते हैं, हर चीज़ की बाल की खाल उधेड़ेंगे। फिर उसके बाद प्लान के बारे में, देखो प्लान के अंदर ये चीज़ ऐसे हो जाती तो बहुत बढ़िया हो जाता, तो हो क्या रहा है, चाहे वो प्लान है चाहे मैनेजमेंट के डिसीजंस के बारे में, कोई ऑफ़र आया तो ये ऑफ़र ऐसा नहीं होता, या कंपनी ने ये डिसीज़न नहीं लिया होता, तो हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हो ये रही है, हम अपना फोकस गलत जगह पे कर, हमें सिंपल सा करना है, सामान कंज्यूम करना है, लोगों से शेयर कराना है, और इस टाइप की कोई ट्रेनिंग्स करके लोगों को नॉलेज देनी है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज देनी है, बिज़नेस की नॉलेज देनी है, और ये काम करना है, हम अपना काम करते रहें, कंपनी अपना काम करेगी। लेकिन अगर हम वो क्रिटिक्स बनेंगे तो क्रिटिक्स को कोई भी लाइक, कभी क्रिटिक्स को कोई लाइक करता है? कोई नहीं लाइक करता है ना, वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फंसे ही रहते हैं, तो फेलियर पक्की है। क्रिटिक्स की जगह अगर हम हर चीज़ में अच्छा ढूंढें, अप्रिशिएट करें कि कंपनी में अच्छा क्या है, देखो हर चीज़ के दो पहलू हैं, अच्छा क्या है कंपनी में, अच्छा क्या है, 50 खूबी हैं, एक कमी तो हर किसी में होती है, एक दो कमियाँ तो हर जगह होगी, सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता, तो 50 खूबियाँ हम ढूंढें इसमें, कंपनी में क्या है, 50 खूबियाँ हम ढूंढें प्रोडक्ट्स में क्या है, प्राइसिंग में क्या है, 50 खूबियाँ हम ढूंढें प्लान में क्या है, प्लानिंग में क्या है, 50 खूबियाँ हम ढूंढें कि कंपनी जो डिसीज़न लिया वाह मज़े ही आ गए, हमारी ज़िंदगी बदल दी, हमेशा थैंकफुल हो, हमेशा अप्रिशिएट करें। तो क्रिटिक्स बनेंगे तो फेलियर मिलेगा, हम अप्रिशिएट करेंगे उसमें अच्छी चीज़ें ढूंढेंगे तो हमें अपने लिए मिलेगा। लाइक सोना, सोना कैसे खोदा जाता है, खोजा जाता है, खोदा नहीं सर खोजा जाता है, हज़ारों टन मिट्टी में से सोने के कुछ कण निकलते हैं, उन कणों को मिलाकर सोने के बिस्किट बनते हैं, इकट्ठा कर किया जाता है।
तो हजारों टन मिट्टी में से कुछ सोना निकल। तो अगर वो जो मिट्टी में से सोना ढूंढ रहे हैं वो अगर मिट्टी को फोकस करेंगे तो क्या सफलता मिलेगी? उनकी नज़र कहाँ होती है? वो सोने का एक छोटा सा कण भी मिल जाए तो उसको इकट्ठा करके वो एक बड़ा उसका बिस्किट बना लेंगे। तो हमने फोकस किस पे करना है? हमने हमेशा पॉजिटिव चीज़ पे फोकस करना है, चाहे वो कंपनी के बारे में, चाहे अपलाइन के बारे में, चाहे डाउनलाइन के बारे में।